प्यार में इतना दर्द क्यों होता है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम प्यार में तो पढ़ना चाहते हैं, हम किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारे दिमाग में होता है, ये डर हमारे दिमाग में होता है कि प्यार में इतना दर्द है, उसे हैंडल कैसे करें। जब तक सब कुछ सही चल रहा तो ठीक बात है, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है और वो परिस्थिति का पेन, दर्द हम सह नहीं पाते, वो इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, और वही पेन हमें ये सवाल करने में मजबूर करता है कि प्यार में इतना दर्द क्यों होता है। इसके जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जवाब से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि प्यार में ये दर्द होते हैं तो हमें कैसे उसे हैंडल करना चाहिए, कैसे उसे देखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण प्यार में दर्द होने का, जिम्मेदारियों का बोझ। हाँ दोस्तों, हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो हम कई रिश्ते और बना लेते हैं, और वही रिश्तों का बोझ हमारे ऊपर होता है। बैलेंस लाइफ करने का बोझ, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को संभालने का बोझ, उनकी फैमिली को संभालने का बोझ, उनके दोस्तों को, ये सारी चीज़ें। सब कुछ ठीक हो तो खुशी की बात है, लेकिन पेन कब होता है, जब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए, तो वही चीज़ हमें ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि प्यार में दर्द क्यों होता है। अब इसे हैंडल कैसे करें, यहाँ पे आपको लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, लोगों के स्वभाव को एक्सेप्ट करना होगा, लोग जो कर रहे हैं वो देखना होगा। लोग जब तक आपको नुकसान नहीं करते डायरेक्टली, तब तक आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। अब आप कहेंगे ऐसे तो लोग हमें कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कह देंगे। देखिए, लोगों को एक्सेप्ट करना, उनको एक हैंडल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप सामने कुछ भी बोलेंगे वो सुनेंगे ही नहीं, या तो फिर ऐसी मोमेंट्स क्रिएट होगी कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने चाही ही नहीं थी या चाहा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको हैंडल कैसे करना है, आप लोगों को एक्सेप्ट करें, जो कर रहे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लें, और आप भी जो कर रहे हैं वो लोगों का सोच के ज़्यादा मत करें, खुद की नज़रिए से खुद की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो एक तरीका हो सकता है। इससे प्यार में दर्द आपका कम होगा। तो ये सबसे पहली वजह होती है कि प्यार में इतना दर्द क्यों है। दूसरी वजह, हमें ये डर होता है कि हम अपने साथी की सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे या फिर नहीं। हमें कई बार लगता है कि हम अपने साथी की सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, लेकिन इसका दबाव हमारे दिमाग में ज़्यादा होता है। हमें लगता है कि हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, लेकिन होता क्या है, हम कई बार ये डर में दब जाते हैं, हम सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, या तो फिर सामने से जब कंप्लेंट्स आने लगती है कि मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, तब हमें लगता है कि मैं रिश्ते में फेल हो गया, और यही चीज़ प्यार में दर्द देती है। तो इसको हैंडल कैसे करें, जो भी इच्छाएं उनकी पूरी हो सके वो कह दीजिए, जो ना हो सके वो भी कह दीजिए। अब कहते नहीं हो, आप झूठे वादे करते हो और वहाँ पर फंस जाते हो। आपसे जो हो सके वो कह दीजिए, जो ना हो सके वो भी कह दीजिए कि ये होगा ये नहीं होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी नहीं होगी। तो इससे क्या है, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन बुरा लग सकता है, लेकिन जब वादा टूटेगा तब ज़्यादा दुख होगा, तब आपको लगेगा कि इससे तो अच्छा है कि वादा ना किया होता। तो यही चीज़ प्यार में ज़्यादा दर्द देती है, और यही चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, इसको समझना चाहिए। आपका साथी क्या मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, क्या उनकी इच्छाएं गलत होती है या सही होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे तो आपको धीरे धीरे साथी का स्वभाव, साथी की इच्छाएं समझ में आएंगी, और आप इससे क्या होगा, आप तुरंत समझ लेंगे कि साथी सही है गलत है, और इससे आप आगे का भविष्य भी देख पाएंगे। तो इससे प्यार में दर्द कम रहेगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये दूसरी वजह है जिसके कारण प्यार में दर्द होता है। अब तीसरी वजह देख लेते हैं, क्या हम ये प्यार को पूरी ज़िंदगी निभा पाएंगे। ये डर भी हमें प्यार में दर्द देता है। हम अक्सर रिश्तों में तो आ जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि क्या हम पूरी ज़िंदगी इनके साथ रह पाएंगे, इनके साथ अच्छे तरीके से रह पाएंगे, उनको निभा पाएंगे, रिश्ते को बखूबी निभा पाएंगे, ये सारी चीज़ों का विचार हमारे दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, और हमारे काम भी अच्छे अच्छे होते रहेंगे साथी के साथ, तो
तो कोई भी चिंता की वजह नहीं बनेगी और पूरी ज़िंदगी आपका रिश्ता और अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनता चला जाएगा। सिर्फ़ अपने साथी की केयर करें, कुछ इच्छाएं उनकी पूरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब उनको ज़रूरत है तब उनके साथ खड़े रहेंगे तो आपके साथी को बहुत ही अच्छा लगेगा। और यही चीज़ें रिश्तों को और अधिक मजबूत करती है, आगे जाके भी इनकी कोई चिंता नहीं रहती। तो ऐसे तरीके से अगर आप सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अच्छी लगेगी और प्यार में आपके इतना दर्द नहीं रहेगा और ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके प्यार में दर्द है और है तो क्यों है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी बी फ्रांजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।